सर, मैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की मांगों के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। जननायक नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से एक नया नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में शुरू की गई, जिसके अंतर्गत भारत के सारे हिस्सों का ध्यान रखते हुए वहां पर स्किल डेवलपमेंट की योजनाएं शुरू की गई, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे वो जो हमारे नक्सल प्रभावित क्षेत्र हों, चाहे उनकी बात हो, चाहे 400 आईटीआई को वर्ल्ड बैंक की मदद से सहायता करके उन्नत करने की बात हो, चाहे 300 करोड़ से वेरियस आईटीआई को अपग्रेड करने की बात हो। अब जो कदम भारत सरकार ने इस विषय में उठाए हैं उनके ये परिणाम अब आने शुरू हो गए हैं कि 2016 में भारतवर्ष के अंदर दुनिया के मुकाबले हायरिंग जो है, हायरिंग ऑफ द जॉब 90% बढ़ने वाली है, और स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से जो ई कॉमर्स एंड स्टार्टअप की जो गतिविधियां शुरू हो रही हैं, दे विल प्रोवाइड बिग अपॉर्चुनिटी फॉर द जॉब सीकर्स। इसी तरह से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी हमारे नौजवानों की मदद होने जा रही है। मेक इन इंडिया एंड डिजिटल जो कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चलाया है, जैसे जैसे हमारे युवा स्किल डेवलपमेंट में निपुण होते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे देश के अंदर रोजगार के अवसर बढ़ते जाएंगे। वैसे भी हमारे देश में प्रतिवर्ष 1.5 मिलियन यूथ जो है वो हर जो महीने रोजगार की लाइन में खड़ा होते हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और आज जब हम दुनिया के सिनेरियो की ओर देखते हैं तो 2015 में चीन व भारत का हिस्सा दुनिया के अंदर रोजगार पाने वालों में 62% है, और आज जहां हम देख रहे हैं कि इसमें चीन के अंदर 100 करोड़ लोग जो है रोजगार के जहां उसमें लगे हुए हैं, वहीं पर भारत की तस्वीर जो है वो 86 करोड़ है। लेकिन ये जो तस्वीर है आने वाले समय में बदलती जाएगी। आज जो नींव खड़ी की जा रही है, आज जो युद्ध स्तर के ऊपर स्किल डेवलपमेंट का कार्य हो रहा है, उसे देखते हुए 2050 में भारत जो है वो चाइना को पीछे पछाड़ देगा। और आज यहां पर बहुत से सदस्यों ने जब हमारे यहां स्किल डेवलपमेंट की बात कह रहे थे तो यहां पर बात आ रही थी कि हिंदुस्तान में 68 साल की आजादी के बाद भी 2.5% लोग स्किल डेवलपमेंट की शिक्षा उनको प्राप्त है, जबकि जो दुनिया के डेवलप कंट्रीज हैं वहां पर कहीं 90%, कहीं पर 80%, कहीं पर 56% है। लेकिन देखिए कि क्या चमत्कार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होने वाला है कि जो वृक्ष ऑलरेडी ऊंचाई के ऊपर खड़ा है वो तो सारी दुनिया को दिख रहा है। आज अमेरिका का विकास, आज चाइना का विकास, आज यूरोप का विकास सारी दुनिया को दिख रहा है, लेकिन भारत की तो गरीबी की ही चर्चा होती थी, और हम जमीन में नीचे पहाड़ों की तलहटी पर नीचे रहने वाले लोगों में जाने जाते थे, बहुत बैकवर्ड और गरीब लोगों में जाने जाते थे। लेकिन आज जिस प्रकार की मेहनत हो रही है, ये वृक्ष जो है नरेंद्र मोदी जी जिसको सिंचित कर रहे हैं, ये वृक्ष अब तलहटी से उठकर
एक दिन उन आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा और जो पहाड़ के ऊपर ऑलरेडी जो वृक्ष खड़ा है उससे भी ऊंचा अपना कद बचाते हुए 2055 के अंदर भारत जो है इस दुनिया का सबसे बड़ा नौकरी पाने वाला देश जो है वो इस दुनिया के अंदर बन जाएगा। इस प्रकार की नीतियां हमारे देश के अंदर आने वाले समय में। मैं एक हरियाणा का छोटा सा एक मिनट जिक्र कर दूं सर, अपनी स्टेट की भी बात करूं सर। मैं अंबाला लोकसभा से आता हूं, मेरे यहां पर जो है वो साइंटिफिक काम जो है हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा मेरी अंबाला लोकसभा के अंदर होता है और वहां पर माइक्रोस्कोप बनते हैं, तो किस प्रकार की कारीगरी वहां पर होती है, एक सुराख करना पड़ता है। मिक्सी का उद्योग है हमारे लोकसभा क्षेत्र के अंदर, उसकी ओर भी हम ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से गुड़गांव जो है दुनिया के अंदर हमारा तीसरे स्थान के ऊपर आईटी हब के अंदर आ गया है। हमारी कोशिश है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम स्किल डेवलपमेंट के काम को, ठीक है, ओ गुरुग्राम कह लो गुड़गांव कह लो जी। मैं अंत में एक शेर के साथ अपना समाप्त करना चाहूंगा के यूं ही मैं बंद कर रहा हूं, मैं बंद कर एक शेर के साथ के यूं ही नहीं, के यूं ही नहीं गिरते फूल झोली में, मन की मुरादें पूरी करने के लिए टहनी को हिलाना पड़ता है। आज हम सब लोग जो एनडीए के लोग हैं वो दिन रात मेहनत करके भारत को अमेरिका और चाइना से भी शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के अंदर लगे हुए हैं, और सामने वाला ने तो बेड़ा ही गर्क कर दिया था। अरे उसके अंदर बहुत बहुत धन्यवाद।